मैं हूँ राहुल तिवारी और आप देख रहे हैं टेक्निकल दद्दा। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूले। चले गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइस अभी आप में से मेरे यार कई प्यारे दोस्तों का एक कमेंट आ रहा है कि भाई यार मैंने अपनी तो खुद की वर्जनल वीडियो बना के जिल्ली ऐप पर अपलोड किया, बट उसको भी यार जिल्ली ऐप ने नॉन ओरिजिनल जो है उस वीडियो को भी जिल्ली ऐप ने नॉन ओरिजिनल बोल दिया। तो ऐसा क्यों कर रहा है जिल्ली ऐप? यहाँ पर गाइस आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो ये हो जाता है जानना कि यार वर्जनल वीडियो क्या होती है, नॉन ओरिजिनल वीडियो क्या होती है। इसको गाइज अगर आप अच्छे से समझ गए कैसी आप वीडियो बनाओगे तो वो ओरिजिनल में आएगी, कैसी वीडियो आप बनाओगे वो नॉन ओरिजिनल में आएगी। आप में से मेरे कई प्यारे दोस्तों का ये भी कमेंट आ रहा है कि भाई यार मैंने तो अपनी वीडियो खुद से शूट किया, खुद से अपलोड किया, फिर भी नॉन ओरिजिनल का जो है उधर से आ गया, क्यों यार नॉन ओरिजिनल का आ गया? यहां पर गाइज मैं अगर इसको एक्सप्लेन करूं तो मैं आपसे यही बोलना चाहूंगा कि भाई आप यार सबसे पहले तो ओरिजिनल एंड नॉन ओरिजिनल को अच्छे से आप बारीक से समझ लो, एंड उसके बाद गाइज आप जब भी यार जिल्ली ऐप पर अपनी वीडियो बना के अपलोड करोगे तो आपको ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अभी यार जिल्ली ऐप यार जेट पॉइंट्स की एकदम से बरसात कर रहा है। अभी मेरे आप में से एक प्यारे दोस्त से बात हुई थी, उसका बोलना यह है कि गाइज मैं डेली का डेली 2,000-3,000 रुपए का विड्रॉल लगा रहा हूं एंड पैसा मुझे जो है जिल्ली ऐप उसी दिन जो है मुझे पे कर दे रहा है, मतलब पैसा मेरे जो है बैंक अकाउंट में आ जा रहा है, मेरे पेटीएम में आ जा रहा है। तो अभी आपको अगर ऐसी प्रॉब्लम आ रही है कि जिल्ली ऐप पर, मतलब कि आप अगर जिल्ली ऐप पर अभी वीडियो बना रहे हो तो वीडियो बना के तो आप अच्छी अर्निंग कर सकते हो, बट गाइज अगर आपको नॉन ओरिजिनल ओरिजिनल की अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है कि वीडियो पर आपके नॉन ओरिजिनल लिख के आ जा रहा है, कॉपीराइट आ जा रहा है, तो ऐसा क्यों आ रहा है एंड आप क्या मिस्टेक कर रहे हो, चलते हैं यार मोबाइल की होम स्क्रीन पर एंड फटाफट अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं। आप में से मेरे एक प्यारे दोस्त का कमेंट आया था कि भाई यार आप जिल्ली ऐप की अपनी खुद की आईडी बता दो ताकि हम लोग आपको जो है फॉलो कर सके जिल्ली ऐप पर। तो गाइज अगर आप मुझे जिल्ली ऐप पर फॉलो करना चाहते हो तो मैंने जिल्ली ऐप का लिंक जो है, मैंने जिल्ली ऐप की अपनी खुद की आईडी का लिंक मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। गाइज वहां पर क्लिक करके आप इजीली मेरे जो है जिल्ली ऐप की आईडी पर आ सकते हो, या गाइज आप मुझे जिल्ली ऐप पर अगर आप डायरेक्ट सर्च करना चाहते हो तो जिल्ली ऐप पर आओगे एंड यहाँ पर गाइज आप जिल्ली ऐप के सर्च बॉक्स में लिखो Rahul2879, जो कि आपको हर एक मेरी शॉर्ट वीडियो एप्लीकेशन का जो भी मैं आईडी बनाता हूँ उस पर जो मेरा यूजर नेम होता है सेम वही यूजर नेम यहाँ पर भी मैंने रखा है, एंड यहाँ पर गाइज आप मुझे जिल्ली ऐप के सर्च बॉक्स पर लिख सकते हो Rahul2879 एंड गाइज यहाँ पर आप मेरी आईडी को देख सकते हो एंड गाइज आप मुझे फॉलो भी यहाँ पर कर सकते हो। अगर आप मुझे फॉलो करोगे तो मैं आपको भी फॉलो बैक दूंगा एंड आपकी भी वीडियोस को लाइक करूंगा। तो अगर आप चाहते हो तो आप मुझे सपोर्ट करो, मैं आपको करूंगा। यहां पर गाइस अगर अभी हम लोग आ जाएं अपने मेन टॉपिक पर कि अभी यार जिल्ली ऐप ऐसा हमारे साथ क्यों कर रहा है एंड अभी गाइज जो है जिल्ली ऐप हमारी जो है ओरिजिनल, आपको तो लग रहा है कि मैंने यार ओरिजिनल वीडियो बनाई है एंड उस पर जो है उसने जो है नॉन ओरिजिनल का जो है उधर से टैग क्यों लगा दिया कि आपकी वीडियो ये वीडियो आपकी नॉन ओरिजिनल है। ऐसा गाइज इसलिए जिल्ली ऐप कर रहा है। अभी गाइज मैं आ जाता हूँ अपनी प्रोफाइल पर, अपनी आईडी पर एंड यहाँ पर गाइज आपको देखने को मिल जाएगा कि मैंने यार कई ढेर सारी वीडियो बनाई थी। एक वीडियो मैंने आपको ये वाली बना के आपको दिखाई थी कि आप ऐसे भी जिल्ली ऐप पर ओरिजिनल वीडियो बना सकते हो अपनी खुद की, लेकिन इस पर भी गाइज अगर मैं इसको प्ले करके दिखाऊं, ये वीडियो मेरी वायरल भी हो गई है जिल्ली ऐप पर एंड गाइज अगर मैं इसको ओपन करता हूं तो मुझे भी यहां पर जिल्ली ऐप ने नॉन ओरिजिनल का यहां पर टैग लगा दिया है कि ये वीडियो जो है वो नॉन ओरिजिनल है और ये वीडियो मेरी गाइज अच्छी खासी अभी वायरल हो गई है। तो गाइज अगर आपने कोई भी वीडियो अपलोड किया एंड वो नॉन ओरिजिनल में आ गई एंड उसके बाद गाइज आपको क्या करना चाहिए, मतलब उस वीडियो को रखना चाहिए, डिलीट कर देना चाहिए, अगर डिलीट करना चाहिए तो कब डिलीट करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, इस टॉपिक पर भी गाइज आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले गाइज अगर हम लोग बात कर ले यहां पर ओरिजिनल एंड नॉन ओरिजिनल की, तो यहां पर गाइज ओरिजिनल वीडियो आपकी कौन सी होती है एंड आपकी कौन सी वीडियो नॉन ओरिजिनल में आ जाएगी। देखो गाइज अभी जिल्ली ऐप एकदम से यार पैसा एकदम से लुटा रहा है, ठीक है। अभी आप यार इस मेरे इस वीडियो के आप जस्ट इस चैनल के मेरे इस वीडियो के आप जस्ट 2-3 वीडियो नीचे वाले आप जाओगे, मैंने अभी एक वीडियो बनाई थी कि जिल्ली ऐप पर आप अपनी वीडियो को कैसे वायरल कर सकते हैं, जेट पॉइंट्स कैसे आप मतलब जो है ज़्यादा से ज़्यादा जेट पॉइंट्स आप कैसे कमा सकते हैं, वीडियो कैसे वायरल कर सकते हैं। अभी कल मैंने गाइज जो है इस वीडियो को मैंने बना के अपलोड किया था कल शाम को, तो गाइज अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो एक बार जाके आप वॉच करो। उसमें मैंने आपको बताया था कि जो है कैसे आप अपनी
वीडियो को वायरल कर सकते हो। एंड साथ ही गाइज मैंने उस वीडियो में आपको इस वीडियो का अर्निंग भी दिखाया था, कितना ज्यादा यार मुझे जो है अर्निंग हुई थी इस वीडियो पर। बट गाइज जब मैंने पैसे विड्रॉल करने के लिए लगाए तो गाइज उधर से नॉन ओरिजिनल इस वीडियो पर लिख के आ गया। ऐसा क्यों लिख के आ गया, क्या मैंने मिस्टेक किया था, आपको क्या मिस्टेक नहीं करनी चाहिए, आपकी कैसी वीडियो ओरिजिनल में आएगी, कैसी वीडियो आपकी नॉन ओरिजिनल में आएगी। गाइज आप जरा सोचो, अगर कोई एप्लीकेशन यार आपको एक वीडियो बनाने का 15 से 8 से 9 सेकंड 10 सेकंड की वीडियो, 15 सेकंड की वीडियो बनाने का आपको गाइज यार 1500 2000 रुपए तक की आपको अर्निंग दे रहा है, तो उसको भाई 100% यार उसको रियल कंटेंट चाहिए, ओरिजिनल कंटेंट चाहिए। ठीक है, अभी जिल्ली ऐप भी यही चाह रहा है। आप बोलोगे कि यार मैं जो वीडियो बना रहा हूं क्या वो यार 100% ओरिजिनल वीडियो नहीं है, मैं बोलूंगा भाई नहीं है, तभी उसने नॉन ओरिजिनल का आपको टैग दिया। मैंने जो यहां पर ये वाली वीडियो बनाई थी इसमें जो है क्या मैंने मिस्टेक किया, गाइज देखो यहां पर सारी वीडियो सही है, कंप्लीट मैंने यहां पर बना रखी है, मतलब कि यहां पर ओरिजिनल वीडियो मैंने इसको जो एडिट वगैरह किया है ये सारा मेरा है। बट यहां पर मैं अभी बोलूंगा कि ये मैंने नॉन ओरिजिनल वीडियो बना डाली थी, मैं समझ नहीं पाया। आपको क्या यहां पर समझने की जरूरत है, अगर आप इस वीडियो को फुल वॉच करके जाओगे तो आपको कोई भी यार नॉन ओरिजिनल की प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर एंड उसके बाद अगर मान लो भाई आ भी जाती है, अगर आपको आपकी वीडियो पर नॉन ओरिजिनल आ भी जाता है, तो क्योंकि यार आप 100% यार ओरिजिनल वीडियो नहीं बना सकते हो। 100% ओरिजिनल वीडियो क्या होती है गाइस, सबसे पहले आपको ये समझने की जरूरत है। मतलब कि यहां पर गाइस 100% अगर हम लोग ओरिजिनल वीडियो की बात करें तो 100% ओरिजिनल वीडियो क्या होगी कि गाइस जैसे मान लो मैंने ये वीडियो बनाई है, मेरा खुद का फेस है, ठीक, मैं यहां पर जो मैंने मान लो कोई म्यूजिक लगाया वो मेरा खुद का म्यूजिक होना चाहिए। ठीक है, ओरिजिनल वीडियो क्या होती है, मेरा खुद का फेस हो, मेरा खुद का म्यूजिक बनाया हुआ म्यूजिक हो, मतलब मैं उसको पहले म्यूजिक बनाऊं एंड उसके बाद यहां पर जिल्ली ऐप के कैमरे पर आऊं एंड उसके बाद जो है मैं उस वीडियो के उस म्यूजिक को अगर ऐड कर रहा हूं, लिपसिंग कर रहा हूं तो उसके साथ में लिपसिंग करूं। या गाइज अगर आप म्यूजिक नहीं बना रहे हो तो गाइज अगर मैं जैसे यहां पर अपने फनी डायलॉग्स बोल रहा हूं तो जो भी मैं फनी डायलॉग्स बोल रहा हूं वो यार मैं जिल्ली ऐप के कैमरे से आके फनी डायलॉग बोलूं एंड उसके बाद जो भी यहां पर मैं बोल रहा हूं, जो मैं यहां पर फनी वर्ड बोल रहा हूं, यहां पर जो मैंने डायलॉग यहां पर बोला है वो मैंने कहीं ना कहीं से देखकर ही बोला होगा। और ऐसा देखो कॉपीराइट अभी यहां पर क्या मतलब जो है ओरिजिनल वीडियो क्या होती है कि जो डायलॉग मैं यहां पर बोल रहा हूं वो मेरा खुद का डायलॉग होना चाहिए और वो डायलॉग पहले किसी ने ना बोल रखा हो, वो एकदम न्यू होना चाहिए। मतलब अगर वो एकदम न्यू है, अगर उसको पहले से किसी ने बोल रखा है, मैं कहीं से देख के अगर उसको जो है याद करके मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ तो वो कहाँ ओरिजिनल है, वो तो नॉन ओरिजिनल में आ गई ना। तो यहाँ पर ओरिजिनल वीडियो बोलने का मतलब क्या हो गया, आप यहाँ पर समझ गए होंगे, मतलब आपका खुद का फेस होना चाहिए, खुद का आपका जिल्ली ऐप का कैमरा होना चाहिए, आप जो भी डायलॉग बोल रहे हो वो किसी दूसरे डायलॉग से मैच नहीं होना चाहिए। अगर ये सारी आप ये सारी शर्तें अगर आप यहाँ पर कंप्लीट कर रहे हो तो वो ओरिजिनल वीडियो हो गई। आप जो भी वीडियो बनाए थे आप उसमें जाके चेक करना, जिसमें भी आपको नॉन ओरिजिनल की प्रॉब्लम हुई है वो क्यों नॉन ओरिजिनल की प्रॉब्लम हुई है, क्योंकि आपने उसको कहीं ना कहीं से कॉपी किया है, कॉपी किया है तो इसका मतलब क्या हो गया, वो नॉन ओरिजिनल सिंपल सा हो गई। अगर नॉन ओरिजिनल का आपको आपकी वीडियो पर टैग आ जाता है एंड आपकी वीडियो इस तरीके मान लो भाई अच्छी खासी वायरल हो गई या और भी ज्यादा व्यूज आपकी वीडियो पर आ गया है, तो आपको उस वीडियो को क्या डिलीट कर देना चाहिए नहीं करना चाहिए, आगे इस टॉपिक पर हम लोग बात करने ही वाले। लेकिन यहां पर गाइज अगर हम लोग बात करें ओरिजिनल एंड नॉन ओरिजिनल की, तो ओरिजिनल वीडियो क्या होती है गाइज आपको यहां पर क्लियर हो गया होगा एंड नॉन ओरिजिनल भी आपको क्लियर हो गया होगा कि नॉन ओरिजिनल वीडियो आपकी ऐसे आपकी वीडियो पर नॉन ओरिजिनल दे देगा जिल्ली ऐप। अभी यहां पर देखो जो मैंने ये वाली वीडियो बनाई थी इस पर गाइज मुझे बहुत सारा पैसे भी मिले थे एंड ये वीडियो थोड़ा ठीक ठाक चल भी गई थी एंड उसके बाद यहां पर जो मैंने गाइज यहां पर डायलॉग्स बोले थे, क्यों यहां पर नॉन ओरिजिनल का आ गया प्रॉब्लम, इसलिए गाइज जो मैंने यहां पर डायलॉग्स बोले थे, अगर ऐसा डायलॉग पहले से किसी ने जिल्ली ऐप पर अपलोड कर रखा है एंड आपने भी कर दिया तो जिल्ली ऐप का सिस्टम जो है वो उसको रीड करेगा। बहुत ज्यादा यार यहां पर जो है जिल्ली ऐप अभी सख्त हो गया है, वो जो है उसको मैच कराएगा। अगर मैच करेगा एंड उसका आपका कोई डायलॉग जो आपने यहां पर बोल रखा है वो डायलॉग उससे मैच होगा किसी वीडियो से, तो गाइज आपको यहां पर नॉन ओरिजिनल का प्रॉब्लम आ ही जाएगा। तो अभी आप बोलोगे कि ऐसे तो यार मैं कोई भी डायलॉग लाके बोलूंगा एंड उसके बाद उसको अगर किसी बंदे ने पहले से अपलोड कर रखा है तो भाई मेरी हर एक वीडियो पर नॉन ओरिजिनल आ जाएगा। हां गाइज यहां पर 50-50 का चांस बनेगा कि अगर आप किसी का डायलॉग कॉपी कर रहे हो तो वो तो नॉन
ओरिजिनल आप वीडियो बना रहे हो ना, आपने ओरिजिनल वीडियो कहाँ बनाई? ओरिजिनल वीडियो तो ये होती है कि आप जिल्ली ऐप के कैमरे से वीडियो बनाओ एंड आप जो भी डायलॉग बोलो वो आपका खुद का डायलॉग हो एंड जो है आप मतलब यहाँ पर जो भी एक्टिंग कर रहे हो वो आपकी खुद की एक्टिंग होनी चाहिए, तब जाके आपकी जो है यहाँ पर ओरिजिनल बनती है वीडियो। लेकिन गाइज आप जो भी डायलॉग बोल रहे हो अगर कहीं से आप कॉपी करके बोल रहे हो तो वो डायलॉग वो फिर कहाँ ओरिजिनल रह गई। अभी गाइज देखो अगर आपको यहाँ पर नॉन ओरिजिनल की प्रॉब्लम आ जाती है तो आपको यहाँ पर क्या करना चाहिए जिससे आपकी वीडियो पर पहली बात तो नॉन ओरिजिनल की प्रॉब्लम आए ही ना, एंड उसके बाद अगर नॉन ओरिजिनल की बात प्रॉब्लम आती है तो उसके बाद गाइज आपको क्या करना चाहिए। देखो अगर आपको यहाँ पर ये नॉन ओरिजिनल की प्रॉब्लम नहीं चाहिए तो गाइज यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखो कि आप जो भी वीडियो बनाओ जिल्ली ऐप के कैमरे से बनाओ। आप बोलोगे भाई मैंने जिल्ली ऐप के कैमरे से ही बनाया था, ठीक है, आपने जो डायलॉग बोला था उसको जो है आप खुद का डायलॉग कैसे आप मतलब इतना ज़्यादा डायलॉग आपके दिमाग में कहाँ से आएगा, मतलब आप अगर आप मैं बोलूँ कि आप खुद से सोच सोच के बोलो तो आप कितना सोच ले जाओगे, मतलब मुझे फनी वीडियो बनाता हूँ तो मैं फनी वीडियो के लिए कितना टॉपिक यार खुद से सोच के लेके आऊंगा, कहीं ना कहीं से लोग कॉपी करते ही है। तो यहाँ पर गाइज एक चीज आपको करना है कि थोड़ा सा गाइज आप चेंज करके उसको लिखो, जैसे यहाँ पर लिखा था ये वाला जो मैंने फनी वाला ये वाला जो मैंने बनाया है स्टेटस, इसमें इसमें जो मैंने जहां से कॉपी किया है इसको वहां पर लिखा क्या था गाइज एंड मैंने इसमें यहाँ पर चेंज क्या किया है। हाँ बोलने का मतलब कि आप इसको चेंज कर दो, थोड़ा सा आप चेंज करके उसमें खुद का अपने खुद के कुछ वर्ड, और पहली लाइन में तो गाइज आप अपने खुद के ही कुछ वर्ड लगा के आप फिर बोलो। यहाँ पर लिखा था कि पत्नी डॉट डॉट पति डॉट डॉट एंड उसके बाद सजनी अपनी जुल्फों को सवार लिया करो, ऐसे करके यहाँ पर वहाँ पर लिखा हुआ था जहाँ से मैंने कॉपी किया। तो मैंने यहाँ पर क्या चेंज किया कि मैंने एक लाइन ही बना दिया यहाँ पर, ठीक, पति ने पत्नी से कहा, ठीक, मैंने पति ने पत्नी से कहा कि पति लिखा था फिर डॉट डॉट लिखा था तो मैंने पति ने पत्नी से कहा अपनी सजनी अपनी जुल्फों को सवार लिया करो, पत्नी शर्माते हुए बोली आप भी ना, एंड उसके बाद नीचे भी मैंने काफ़ी ज़्यादा मिक्स यहाँ पर कर दिया है, पति बोला माँ कसम अगर ऐसे हुआ तो, यहाँ वहाँ पर जहाँ से मैंने कॉपी किया था वहाँ पर ऐसा नहीं लिखा था बट गाइज यहाँ पर मैंने मिक्स किया। तो बोलने का मतलब कि आप जहाँ से भी यार जो है कंटेंट कॉपी कर रहे हो उसमें आप जितना ज़्यादा मिक्स करके आप बोल सकते हो, मतलब वहां पर किसी जो है जो भी लिखा था उसमें आप उसको जितना ज्यादा चेंज कर सकते हो चेंज करके यहां पर अपलोड करो, नॉन ओरिजिनल की प्रॉब्लम आपको कम आएगी। अभी यहां पर गाइज देखो अगर आपको फिर भी नॉन ओरिजिनल की प्रॉब्लम आ जाती है तो भाई अगर आप कॉपी कर रहे हो कहीं ना कहीं से और जिल्ली ऐप का सिस्टम अगर उसको रीड कर ले गया तो नॉन ओरिजिनल तो आपको दे ही डालेगा, वो मानेगा नहीं, क्योंकि भाई आपको एक वीडियो बनाने के यार वो जो है 500 रुपए, 800 रुपए, 1000, 2000 रुपए तक पे कर रहा है तो वो भी तो चाहता है ना कि हमको ओरिजिनल वीडियो मिले, मतलब ऐसी वीडियो मिले जो कि यार जिल्ली ऐप पर पहले भी किसी ने अपलोड ही ना कर रखी हो। तो भाई अगर जो है उसका किसी ने पहले से अपलोड कर रखा है एंड आपने कुछ मिक्स वुक्स करके अगर आपने अपलोड किया तो फिर भी कई बार ऐसा होगा कि आपको वो नॉन ओरिजिनल की प्रॉब्लम यहाँ पर आ ही जाएगी। तो इसके बाद गाइज आपको अगर आप फिर भी आ जाती है तो उसको जो है उस नॉन ओरिजिनल वाली वीडियो को आपको क्या करना चाहिए एंड उसके बाद गाइज आपको जिल्ली ऐप पर वीडियो कैसी बनानी चाहिए, मतलब भाई आप वीडियो बनाते ही रहो, आप ऐसा मत सोचो कि यार मुझे नॉन ओरिजिनल की प्रॉब्लम आ गई मैं पैसे नहीं कमा सकता हूँ, आप थोड़ा मिक्स करके बनाओ, हो सकता है मतलब 52 वीडियो पर आपकी नॉन ओरिजिनल आ जाएगा एंड कई सारी ऐसी भी वीडियो होंगी कि जो जिस वीडियो पर आपको जो है गाइज ओरिजिनल का टैग आपको मिल जाएगा एंड उसके बाद आप उस पैसे को विड्रॉल करोगे विड्रॉल भी हो जाएगा। लेकिन गाइज यहां पर अगर हम लोग बात करें नॉन ओरिजिनल वीडियो अगर आ गया हमारे वीडियो पर टैग, यहां पर जैसे मेरी इस वीडियो पर आ गया नॉन ओरिजिनल, तो गाइज मुझे अब की क्या करना चाहिए, इस वीडियो को तुरंत का डिलीट कर देना चाहिए या नहीं करना चाहिए, अगर करना चाहिए डिलीट तो उसको कब करना चाहिए, ठीक है। हेलो भाई आपने कोई वीडियो बनाई एंड वो नॉन ओरिजिनल में निकल गई एंड उस वीडियो पर अच्छे खासे व्यूज चले गए अच्छे खासे लाइक्स भी जा रहे तो आपको उस वीडियो को डिलीट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, आपको डिलीट करना भी चाहिए। कब डिलीट करना चाहिए कब नहीं करना चाहिए, जब तक गाइज उस वीडियो पर अच्छे खासे व्यूज आ रहे जाने दो भाई। अगर आपकी वीडियो पर जिस वीडियो पर आपके अच्छे खासे व्यूज गए हैं इस वीडियो को उठाकर जिल्ली ऐप अपनी होम स्क्रीन पर दिखा रहा है तभी आपकी वीडियो पर और ज्यादा व्यूज आ रहे हैं एंड इस कंडीशन में गाइज अगर आपकी आईडी न्यू है, मैंने तो अभी एकदम न्यू आईडी बनाई है, मैं यहाँ पर ज़्यादा वीडियो भी नहीं अपलोड कर पाता हूँ क्योंकि मुझे यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करनी होती है, बट गाइज यहाँ पर अगर आपकी इस वीडियो पर अच्छे व्यूज आ रहे हैं तो भाई आप इसको डिलीट बिल्कुल भी मत करो, तब तक ना करो जब तक आपकी इस वीडियो पर जो है अच्छे खासे व्यूज आ रहे हैं, क्योंकि इसी वीडियो की वजह से आपकी और भी जो सारी वीडियोज है ये सारी वीडियोज भी आपकी चलेंगी, इनमें से भी कई सारी वीडियो पर चांस बनेगा कि आपकी वीडियो कोई एक और भी ज़्यादा वायरल हो जाए। अगर
इनमें से जो है कोई और, मतलब जैसे इस पे आपकी वीडियो पर 2.5 लाख व्यूज गया है, मेरी वीडियो पर 2.5 लाख व्यूज गया एंड मैंने और न्यू वीडियो बनाई, मैंने जो है थोड़ा सा चेंज करके बनाया एंड उसके बाद वो वीडियो मेरी वर्जनल निकल गई एंड वो अच्छी खासी वायरल हो गई, तो फिर गाइज तब भी आपको ये वीडियो डिलीट करने की ज़रूरत नहीं है। फिर अभी कब इस वीडियो को डिलीट कर देना चाहिए? जब गाइज आप यार वर्जनल क्रिएटर के लिए अप्लाई कर रहे हो, मतलब आपके यहाँ पर थोड़ा ठीक ठाक फॉलोअर हो गए एंड उसके बाद आप वर्जनल क्रिएटर के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो उस टाइम आप सारी ऐसी सारी वीडियोस को आप सर्च करो जिसपे नॉन वर्जनल आया है, आप उन सभी वीडियोस को डिलीट कर दो। अगर आप नॉन वर्जनल वीडियो फिर भी रखे रहोगे तो आपको जिल्ली ऐप की तरफ से वर्जनल क्रिएटर का टैग नहीं मिलेगा। लेकिन गाइज जब तक आपकी उस वीडियो पर व्यूज आ रहे हैं, लाइक्स आ रहे हैं, अगर उस टाइम में अगर आपने उस वीडियो को डिलीट कर दिया तो भाई आपका आईडी जो है वो तो एकदम से डाउन पड़ जाएगी, क्योंकि उसी वीडियो, वो वीडियो क्या है कि उसी वीडियो की वजह से बाकी की सारी वीडियोस आपकी आगे चलने वाली है। चलते हैं गाइज, मिलेंगे किसी ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।